शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्वी बैक। तो गाइस कैसे हैं, होप सब बढ़िया होगा भाई, और आपका भाई बिल्कुल एकदम मस्त है गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं भाई गाड़ी में बैठा हुआ हूं, तो गाइस अभी मैं आ गया टैक्सी गाड़ी में। भाई मोटो ब्लॉगिंग जो है मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, और अभी गाइस मेरा काम रहेगा गाइस टूरिस्ट को घुमाना यहां से वहां, जम्मू श्रीनगर जैसे हिमाचल प्रदेश जैसे जहां भी, गाइस अपने भाई को सपोर्ट करना, भाई लाइक करना, अपना प्यार दिखाना, भाई शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइस मैं कटरा में हूं, और मेरा कस्टमर जो है भाई वो रेडी हो चुका है, और कस्टमर जो मेरा रघुनाथ टेम्पल में है, जो कि अभी मैं जा रहा हूँ लेने, फिर मिलते हैं आपको आगे। गाइस अभी फिलहाल मैं दो नंबर काउंटर से जा रहा हूँ मैं रघुनाथ मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा, और मेरे कस्टमर वहीं पे खड़े हैं। भाई साइड में हो जाए यार, कहाँ आ जा रहा है भाई, लोग भी देखते नहीं है यार गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, सुपर फास्ट ही रहते हैं। सो गाइस अभी मैंने पैसेंजर बिठाए हैं, और अभी मैं चल रहा हूँ भाई कटावा रोड से, ये कड़कियाल वाला रोड है, अभी मैं यहाँ से सीधा वो वहाँ सामने हाईवे पे अटैच होता है ये रोड, मैं वहाँ चाहूँगा, फिर उसके बाद गाइस सीधा पत्नी टॉप के निकलेंगे। गाइस अभी देखते हैं आगे, सनसर का भी प्लान है, देखते हैं आगे क्या रहता है। गाइस बहुत अच्छा रास्ता है गाइस, यहाँ पे मोड़ वगैरह तो हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अच्छा बहुत है, बिल्कुल साफ सुथरा रोड है गाइस। और एक जो टिकरी वाला रोड आता है ना भाई, वो बिल्कुल बेकार रोड है, और ये बहुत अच्छा रोड है और साफ सुथरा है, और भाई हरियाली भी यहाँ की चेक करो भाई, कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे आगे मैं आपको अच्छे अच्छे व्यू भी दिखाऊंगा। इस टाइम पे हम टिकरी में हैं, और वो गए हैं थोड़ा दर्शन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, वो दर्शन करने गए हैं, वहाँ पे काली माता का मंदिर है। Two years later. So guys, अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे पे, NH 44 है ये, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो गाइस वेदर जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है गाइस, ये आप देख सकते हो यार, इतने अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ है यहाँ पे, और गाइस यहाँ पर यहाँ का ये रोड है ना भाई, क्या सोमेश्वर रोड है भाई, बिल्कुल मस्त रोड है गाइस। सो गाइस अभी पत्नीटॉप वाले रोड पे आ चुके हैं, और जो टनल है भाई हमने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि टनल जाता है सीधा कश्मीर में, और भाई ये जो है ये पत्नीटॉप वाला रोड है, पत्नीटॉप की चढ़ाई चढ़े हैं, उसके बाद हम पत्नीटॉप में पहुंचेंगे। रास्ता काफी अच्छा है गाइस, यहाँ का व्यू चेक करो भाई, ये पत्नीटॉप का व्यू दिख रहा है, अगर पूरे बादल बादल छाए हुए हैं, मतलब पूरा ये वहाँ पे फॉगी सिस्टम होगा, तो आप आगे देख ही लेना गाइस कैसे फॉगी फॉग होगी यहाँ पे पत्नीटॉप में। सो गाइस यहाँ पे मस्त म्यूजिक सुनता हुआ मैं जा रहा हूँ गाइस, और भैया पीछे बैठे हुए हैं आराम से बिल्कुल, और रोड भी काफी अच्छा है, मोड़ माड़ घूमते हैं, लेकिन मजा आ रहा है भाई। तो गाइस यहाँ का व्यू चेक करो भाई, कितना सुंदर व्यू है भाई, मतलब इस टाइम ये देखो गाइस, ये इसको इनको देखो भाई, क्या कहाँ से भैंसे आ गए यहाँ पे यार, काफी ज्यादा भैंसे आई थी। तो यहाँ पे चेक करो गाइस, ये लास्ट मोड़ है पत्नीटॉप का, तो ये जो सामने अभी आप गेट देख रहे हो, ये नाग टेम्पल से होते हुए पत्नीटॉप जाता है ये वाला रास्ता, तो हम सनासर जा रहे हैं पहले। ये गाइस सनासर वाले रोड पे आ चुके हैं अभी, और अभी यहाँ पे आके पर्ची कटेगी, जो कि पर्ची रहने वाली है 80 रुपीज की, 80 रुपये कश्मीर से भी अच्छी है, कश्मीर में गर्मी है इस टाइम जाओगे ना आप, जम्मू के बराबर गर्मी है कश्मीर में, अभी वैसा वैसे थोड़ी रहा जैसे पहले रहा करता था, वैसे नहीं है ना, अभी बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे देखो यार कितनी ज्यादा फॉग है भाई, खतरनाक फॉग है इस टाइम पे, हम नत्था टॉप में नत्था टॉप में, ये हमारे भाई हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं, और ये भाई अपनी गाड़ी। ये फॉग है भाई। 2 years later.
तो फाइनली गाइज पहुंच चुके हैं हम सनासर में। गाइज ये आप सनासर का व्यू देख सकते हो। तो गाइज जो पिकनिक स्पॉट है भाई नीचे, मैं वहाँ जा रहा नहीं हूँ, ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि यार मुझे चलने में दिक्कत है भाई, मैं जा चल नहीं सकता हूँ। तो ये यहाँ का ओवरऑल व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं इस टाइम पटनी टॉप में। तो पटनी टॉप का व्यू कुछ इस टाइम पे ऐसा है गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है यार, मतलब पूरी फॉग ही फॉग है। ये आप देख सकते हो, क्लियरली तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो गाइस। तो ये देखो, ये मैंने अपनी यहाँ पर गाड़ी खड़ी की हुई है वाइड एंगल में बिल्कुल ही, इसलिए गाइस मैंने ये लगाया हुआ है 1x। तो गाइस ये ऊपर बाहर चेक करो गाइस, ये पेड़ गाइस जो है ना भाई, ये उसे गिरे हुए हैं। गाड़ियाँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं गाइस। और मेरा ये होटल है गाइस, शिवा कॉटेज, ये वाला मेरा होटल है। तो अभी मैं भी निकालता हूँ अपना सामान वगैरह जो भी है मेरे पास। सामान गाइस फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, मेरा बैग जो है वो मैंने अपना रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, ये मेरा हैंकी पड़ा हुआ है यहाँ पर यार, बाइक कहीं कहाँ रखे हैं फिर गाइस। यहाँ तो ये वाली जगह आ गई, यहाँ पर बॉटल वगैरह पड़ी है, लाइटिंग थोड़ी, ये लाइट आ गई गाइस ये पूरी ऐसे। तो एक मेरे पानी की बोतल मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा रखी होती है ताकि ये वाले ख़त्म हो जाए तो फिर वहाँ से। तो बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास, ये एक ब्लूटूथ है ये लेनी है साथ में, हैंकी की जरूरत है। चलो तो कोई नहीं गाइस, पहले मैं देख के आता हूँ वहाँ पे कैसे में जगह जगह है रहने की नहीं है। नहीं तो गाइस आज अपना ठिकाना इधर ही है गाड़ी में, तो चलो देखते हैं पहले मिलते क्या सीन है, होटल वगैरह हम मिलता है कुछ मिलता है। एंट्रेंस है अपने गेट का शिवा कॉटेज, चलते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं और दिया भाई गाइस, यहाँ पे मध्यम मध्यम म्यूजिक जो है वो बज रहा है।